सकती है, जिनकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छा भी रह सकता है और खराब भी। बालों में शैम्पू, कंडीशनर और ऑयलिंग के साथ साथ टेक्सचर की भी जरूरत होती है, वरना आपके बाल अच्छे तो लगेंगे ही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर महसूस होगी। और जिनके थिन बाल होते हैं उनको तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत होती है। टेक्सचर देना बहुत आसान है, मगर एक्सपर्ट एडवाइस की कोई कीमत नहीं होती, तो इसीलिए हम अपनी हेयर एक्सपर्ट एकता को बुलाना चाहेंगे। हेलो एकता। हाय, चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको बालों में टेक्सचर कैसे देना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक स्प्रे बॉटल। ये स्प्रे बॉटल ले, अपने पूरे बालों में स्प्रे करे और कोम करे। बालों को अच्छे से कोम करें और सारे रफ एजेस निकाल लें। तो अब हमने हमारे सारे रफ एजेस स्मूथ कर लिए। अब हम बनाएंगे हमारा फॉर्मूला। ये है स्प्रे बॉटल। अभी स्प्रे बॉटल में हम डालेंगे 2 चम्मच नमक। अब इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ी सी हेयर जेल। ये बॉटल को बंद करें और इसे अच्छी तरह से हिलाएं। यहाँ पे सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाना चाहिए और सारी जेल भी इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम ये लेंगे और हमारे बालों में स्प्रे करेंगे। इसे बालों में अच्छी तरह से स्प्रे करिए, पूरे बालों पे लग जाना चाहिए। बालों को अच्छे से स्प्रे कर दिया है, अब हम इसे कोम करेंगे। एक बार अच्छे से कोम हो गए तो आप अपने सिरम भी लगा सकते हैं, अपने सिर्फ एंड्स पे लगाइएगा, रूट्स पे नहीं। अब आप देख सकते हैं हमारे बालों में कितना अच्छा टेक्सचर और शाइन आ चुका है। अभी आपको आपके जो भी हेयर स्टाइल्स बनाने हो, आपके मनपसंद हेयर स्टाइल्स आप बेझिझक बना सकते हैं। तो था ना ये कितना आसान, और इस तरह आपके बालों को एक सही वॉल्यूम मिलेगा। अपनी मनपसंद लुक पाने के लिए सही टेक्सचर का होना बहुत जरूरी है, और वैसे भी एक लुक काफी बोरिंग हो जाता है, तो नए स्टाइल्स के लिए सही टेक्सचर और वॉल्यूम बहुत जरूरी है। तो अपनाइए नए स्टाइल्स बिना किसी टेंशन के।